बेटा मुझको अभी अच्छा नहीं लगता तुझको मारना। क्या है 1.5 लाख? है क्या 1.5 लाख? होता क्या है 1.5 लाख का? क्या होता है पापा? 1,50,000। तुझको बाइक चाहिए ना? चाहिए ना तो फिर कर लेगा। भाई दिलाएगा, भाई तुझको बाइक दिलाएगा। भाई तुम तो मेरे पापा ऊपर। I'm sorry यार। सारी प्रॉपर्टी तेरी, ठीक? बाइक क्या चीज है? सब कुछ तेरा। कल सवेरे उठ के मैं तुझको नई कार दिलाऊंगा। कार दिलाओगे? भाभी जाग जाएगी यार। भाभी ने पापा, वो मम्मी है मेरी। अरे सॉरी है। आज चल उठ। सॉरी, सुबह आराम से 10 बजे उठी है, नई कार लेने चलेंगे। सो जा बेटा, सो जा। थैंक यू पापा। सवे के 10 बज गए हैं, कॉलेज तेरा बाप जाएगा? अरे अभी तो 6 बजे हैं और आपने तो ये कहा था कि सुबह 10 बजे कार लेने चलेंगे। कार? और बस पकड़ो और कॉलेज के जाओ। कार लेगा? रात में प्रॉपर्टी देते हैं और दिन में चाटे। मम्मी क्या 10 का 1 किलो? बराबर वाले भैया तो 10 का 2 किलो दे रहे हैं। नहीं जी, झूठ क्यों बोल रही हो? तू चुप कर। क्या मम्मी, आप भी 2-2 रुपए के ऊपर बेइज्जती करा रहे हो, दे दा के छुट्टी करो। तू चुप कर, तुझे कुछ पता भी है? पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। और लग भी रहे होते ना तो तुम और पापा सबसे पहले लपकते। ये जरा भैया कुछ एक्स्ट्रा भी डालो, इतना कुछ ले रहे हैं। फटाफट धनिया भी डालो, ये लहसुन भी डालो थोड़ा, और हरी मिर्च भी डालो, और ये पुदीना है ना, पुदीना भी दीजिए। बहन जी थोड़ा ले जाओ फ्री में। तुझे ही ना ले जाएं साथ में। अरे अमित, पंखा चला दियो। पंखा तो मैं चला दूंगा मम्मी, आप ये तो बताओ 5-5 रुपए की बार्गेनिंग करते हो, मार्केट में बेइज्जती करवा रखी है। अब तो हमने बेइज्जती करा रखी, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा जो कर दिया, यही दिन देखना था ना। अरे रो क्यों रहे हो, तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे जरा पैर दबा देता तो अच्छा लगता। चलो ठीक है, रो तो मत। सुन, जरा चाय भी बना देता तो और अच्छा लगता। चल बना देता हूँ, रोना तो बंद कर दो। और सुन, किचन में बोतलें भी पड़ी हैं, जरा उसे भी भर देता तो और अच्छा लगता। फरमाइश से ज्यादा ही नहीं बढ़ रही कुछ? अब तो फरमाइश ही बढ़ेंगी हमारी, यही दिन देखने के लिए तो तुझे बड़ा किया है हमने। जा रहा हूँ अब, रोना तो बंद कर दो, पापा आ गए तो मेरी कुटाई कर देंगे। और सुन, बाथरूम में कपड़े भी पड़े हैं धुले हुए, जरा उसे भी छत पे सुखा दिए तो और अच्छा लगता। इसी धरती पर भारतीय सैनिक जबरदस्त जाबाजी। Got him again. Once again the extra pace. Inside edge. Onto the stumps. इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है। तेरे पेपर भी आने वाले हैं, जाके पढ़। पेपर तो आते जाते रहे मैं। मम्मी का नाटक भी आने वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या हुआ? अरे छोड़ो यार। अरे कुछ बोलेगा भी? उस दिन रेनु दीदी की शादी में मौसी। क्या मौसी? अरे कुछ नहीं यार। अरे कुछ बताएगा भी? मौसी कह रही थी कि तेरी मम्मी कपड़े वपड़े पहनने की तौकल ना, पुराने पुराने कपड़े पहन के घूमती जा। हैं? ये बोल रही थी? तेरी क्या समझती है अपने आप को? अभी बात करती हूँ उससे मैं। हेमा, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है।
मम्मी की लड़ाई तो 2-3 घंटे चलेगी। अरे पियो ना यार। यार धोनी माई मार रहा है। जब देखो तब इस फोन में लगा रहता है। अरे इतना टाइम तो कोई अपनी नई दुल्हन को भी नहीं देता जितना तो इस फोन को देता है। अरे मम्मी MPL से ही तो जीत जीत के पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना, तुम्हारे और पापा के लिए नए कपड़े लाऊंगा। अरे सुन, देख तेरे पापा की स्कूटर की आवाज। चल ठीक है शर्मा जी, नमस्ते। किताब तो सीधी कर ले पठन। तो अभी भी सीधी नहीं हुई पठन, तो आप ही कर दो ना आके। क्या बोला? मैं बोला पापा जी नमस्ते, ऑफिस से आ गए, थक गए होंगे, बताओ आपके लिए क्या लाऊं, चाय पानी, टेंशन डिप्रेशन, मतलब रोटी। रोटी पापा के लिए रोटी बनाओ यार, टाइम पे एक भी चीज नहीं मिलती है। सारा का सारा घर ढूंढ छान मारा। अरे यार कोई मुझे बताएगा भाई मेरा सामान कहाँ रखा है? तू चिल्ला रहे हो पापा, क्या हो गया? मुझे क्यों प्रसाद दे दिया? अरे बेटे को पूछो तो माँ को पता होगा, और माँ को पूछा तो बेटे को पता होगा। है अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार तुम तो रहने दो, जाओ सो जाओ, जाके 24 घंटे सोने वाली जाओ प्लीज। ये देखो जैसे मुझे कुछ काम धंधा तो है नहीं, सारे दिन मैं सोती ही रहती हूँ। यार क्यों लड़ रहे हो, वर्ल्ड वार चला रहा है। फिर दे दिया प्रसाद, चश्मा कहाँ है मेरा? ऑफिस के लिए लेट आ रहा हूं मैं। प्रसाद सा दे दिया मुझे। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। और अमित? आंटी 90% आए मेरे, 90%। और अमित के कितने परसेंट आए? पापा ने तो मोहल्ले में लड्डू ही बटवा दिए। अरे अमित कभी बताएगा क्या हुआ? अमित तो आंटी फेल हो गया। तिरंगा की कोशिश यही रहेगी कि बैटिंग पर हैं धोनी, दूर गेंद रखा जाए उतना और अच्छा। सामने से आ रहे हैं ब्रेटली, क्योंकि धोनी के बिल्कुल भी माथे पर सीन नहीं है, और इसी तरीके से धोनी तैयार है। ब्रेटली की रफ्तार बढ़ती है, धोनी भी इसी तरीके से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है बाउंसर मारेंगे, लेकिन नहीं, धोनी ने मार दिया हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी ने 6 मार दिया, वाह वाह। ब्रेटली रिटायर हो गया है। कब? और जो खेल तुम खेल रहे हो ना, उस खेल का मैं कैप्टन रह चुका हूँ। लूजर कहीं का। पापा जी ऑफिस जा रहे हो? पैसे छीने? हाँ जन्मदिन आ रहा है ना, कपड़े ला रहे हैं। आज तो नोटों की गड्डियां मिलेंगी। 500 रुपए? हाँ कपड़ों के लिए। हाँ पापा जी 2018 चल रहा है, 1918 नहीं। ज्यादा है तो 2 टी शर्ट मेरी ले आइयो। हाँ हाँ ले आऊंगा, 10 टी शर्ट लाऊंगा, और एक फ्रिज भी ले आऊंगा, एक टीवी, एक एसी, 2 पिलोट भी ले आऊंगा, और कुछ पैसे जो बचेंगे ना आपके अकाउंट में भेज दूंगा। मजाक करता है। हाँ हाँ मम्मी, अमित का अब कॉलेज भी खत्म हो जाएगा और फिर उसकी जल्दी जॉब भी लग जाएगी, फिर वो भी सेटल हो जाएगा। मम्मी हाँ। पापा मम्मी पापा तुम पे इतना पैसा जो है सही है, फिर अपनी औलाद को क्यों देते नहीं है? क्या हुआ अब? क्या हुआ क्या? जन्मदिन आ रहा है, 500 रुपए कपड़े लेने के लिए पापा दे रहे हैं। अच्छा जी ये हिम्मत। अरे 500 रुपए भी भला कोई देता है अपने बच्चे को? एक ही तो बेटा है हमारा, 100 रुपए दो इसकी शक्ल के हिसाब से।
कभी कभी आप उनको लगता है आप उन इनकी सौतेली औलाद है। लूजर कहीं का बाबू, रात में तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी हो जाती है। हर किसी लड़की पे नहीं मरता, तेरा ये यार किसी से नहीं डरता। मैं ना डरूं अपने बाप। तो आज की चल रही है? अबे यार ये तो सो गए थे, यहाँ कैसे आ गए? ओस पोर भाजपाई के आसपा हसपाल हैं पे तेज फिरे, ओस पोर का आसपा जास पा रहा है पे, ओस पोर भाजपाई के आसपा। अरे कहीं ऐसे नींद से लगी बीमारी तो नहीं लग गई? अरे आजा, तेरे को आराम करा था, आजा आजा आजा। क्या आसपा दिस पिक्कत आसपारी है पे, जस पे पस पकड़ी पकड़ी घस पर आसपारी है पे, ओस पोर के आसपा मस पजे आसपारे हैं पे। हाँ बाबू, तो कैसी लगी मेरी जर्मनी की भाषा? अरे मैं ना डरता ना तुम्हारे पापा से ना अपने पापा से, जिम मारू उदम तारू। और बताओ यार तुम्हारी भी बात कुछ अलग है। बेटा खाना नहीं खाएगा? खा क्या हूँ, मैं बाहर खाया था। अब बड़ा हो गया है, हमारे साथ बैठता भी नहीं है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलता हूँ ना, थक जाता हूँ ऑफिस से आता हूँ, इस संडे को मिलता हूँ आपसे। आप क्यों भूखे रहते हैं? आप भी खाना खा लीजिए, वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाकर आता है। आज बॉस को पीपीटी भेजिए। अरे यार उसी में ही तो लगा पड़ा हूँ, देखो अब कब तक तैयार हूँ। भेज दे यार उसको जल्दी। मम्मी आपको मैंने कितनी बार बोल रखा है ऑफिस टाइम पर कॉल मत किया करो, काम का बड़ा प्रेशर होता है। पापा की दवाई ले आया था ना, कहाँ रखी है? दो दिन से बोल रही हूँ अमित, तेरे पापा की दवाई लिया, तेरे ऑफिस के पास ही तो मिलती है। अरे ले आऊंगा, आज ले आऊंगा, भूल जाता हूँ। आज तेरे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, हो सके तो दिन में ऑफिस से जल्दी आ जाइयो। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी मीटिंग है आज, रोहित को बोल दूंगा मैं, वो लेके चला जाएगा हॉस्पिटल। मम्मी मैं आ रहा हूँ, वेट करो। तो क्या हुआ? करता हूँ। अरे पापा जी बाहर कैसे बैठे हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो आपकी दवाइयाँ। याद तो मुझे रोज ही रहती थी, लेकिन वही है ना, ऑफिस की भाग दौड़ जिंदगी की भाग दौड़ में भूल जाता था। बेटा पैसे की धुन के अंदर परिवार और रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। जी पिताजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। खुश रहो। यहाँ कैसे बैठे हो? चलो ना मम्मी के पास चलते हैं। कहाँ है? खूब तरक्की करो, अपनी माँ का ख्याल रखना। वो रात, वो पिताजी की बात, वो उनके साथ मेरी आखिरी मुलाकात, मैं आज तक नहीं भूला। रिश्तों को समय ना देकर मैंने पैसों को समय दिया। आज बेटा पैसा तो बहुत है, अगर मेरे पास नहीं है तो सिर्फ पिताजी। उस घड़ी का मुझे दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर मैं अपनी माँ को जब जब खुश देखता हूँ तो लगता है पिताजी भी खुश होंगे। बेटा जीवन में एक बात याद रखना,
पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना बड़ा ही मुश्किल बेटा। इसलिए मैं तुझसे हमेशा कहता हूँ, तुझे अपने पापा जैसा नहीं बनना, तुझे बनना है अपने दादा जैसा, जिन्होंने अपने सारे सुख त्याग कर अपने इस बेटे की ख्वाहिशें पूरी करी। माँ, अम्मी, बेबे, मदर, पिताजी, अब्बू, पियो, फादर, कितना भी ये हमें डांटें, फिर भी रोटी हमारे बिना नहीं खाते। कहने को तो ये सिर्फ शब्द हैं दोस्तों, ये ना हो तो रुके से हमारे नब्ज हैं। तो दोस्तों, क्यों ना ये वीडियो अपने घर परिवार में दिखाई जाए, अपने दोस्तों को दिखाई जाए और उनको बताया जाए कि घर परिवार हमारे लिए पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा।